हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। ऑप्शंस आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेम्ब्रेन ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। सो द की कंसेप्ट हियर इज न्यूक्लियर एनवेलप। यूकेरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और इस न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड दी इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन्स कनेक्ट कर जाती हैं एट द एरिया ऑफ द न्यूक्लियर पोर। और इन मेम्ब्रेन्स को बनाता कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर दी राइबोसोम्स। अब इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है रफ हो जाता है, इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ये डेवलप हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। सो क्वेश्चन में पूछा है न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन का पार्ट है, इसलिए ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंबाइन करके बनाती है न्यूक्लियर एनवेलप। थर्ड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बनाती है। एंड द लास्ट ऑप्शन हियर इज मेम्ब्रेन ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन है वो खुद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।